हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम्बोली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, वेब सीरीज एंड टीवी सीरियल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। दोस्तों, राजनीतिक अभिनेता पवन कल्याण वेरू श्रीराम की फिल्म वकील साहब के साथ वापसी कर रहे हैं। फिल्म अमिताभ बच्चन की समीक्षकों द्वारा प्रशासित हिंदी फिल्म पिंक का तेलुगु रीमेक है। पवन कल्याण के जन्मदिन पर वकील साहब के निर्माताओं ने मोशन पोस्टर जारी किया है और इससे पहले से ही उच्च उम्मीदें लगा रखी हैं। थमन इस द्वारा वकील और BGM के रूप में अभिनेता का लुक सही टोन से सेट करता है। साथ ही ये फिल्म में निवेदा थॉमस, अंजलि, अनन्या नगला भी हैं। मोशन पोस्टर को पावर स्टार के जन्मदिन पर जारी किया गया है और प्रशंसक सभी उत्साहित हैं। पवन कल्याण के लुक ने पहले ही काफी ध्यान खींच लिया है। अब सभी को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। थाला अजीत अभिनीत पिंक का तमिल संस्करण बहुत ही हिट था और एक शक्तिशाली संदेश भेजने के साथ ही सही कॉर्ड को हिट करने में कामयाब रहा था। अब देखना ये बाकी है कि पवन कल्याण इस आगामी कोर्ट रूम ड्रामा में एक वकील की भूमिका के साथ न्याय कर सकते हैं या नहीं। वहीं पवन कल्याण को आखिरी बार 2018 में अग्नि आपवासी में देखा गया था और इसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने निर्देशित किया था। वकील साहब का पहला एकल मगवा पहले रिलीज किया गया था और सिर्फ श्रीराम द्वारा गाया गया था। वकील साहब मई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन महामारी के कारण निर्माताओं को इसे स्थगित करना पड़ा क्योंकि शूटिंग के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया था। वहीं अब फिल्म के पोस्टर को देख फैंस की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड? वकील साहब के लिए हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।